हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रे डायग्राम कैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से वो सिखाने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेना है और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सिखाता हूँ ऐसे करना है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन का नाम बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देन आफ्टर हम 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और वहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा पोल। अब वहाँ से आगे हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और फिर वहाँ से एक लाइन बना देंगे। बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो 60 डिग्री टू 60 डिग्री, बेसिकली 120 एक साइड ले सकते हो, दूसरी साइड 60 ले सकते हो, ऐसा यूज़ करके, या तो फिर आप 150 तक भी ले सकते हो। आपको इस तरह से कर्व बना देना है। तो ये बेसिकली हमारा मिरर हो जाएगा और अपोजिट साइड पर हमें डैश बना देना है, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सी साइड पर शाइनिंग है। ओके, तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब वहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट लेना है, जो कि हमारा बन जाएगा फोकस पॉइंट, और वहाँ से अगेन 2 सेंटीमीटर पर हमें आगे लेना है, जो कि बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ तक का आप सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोजिशन से, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी। तो इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसको नोटिफाई करना है ए बी से। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेलल लाइन बनानी है, जो कि मिरर को टच करे, और ये हर बार करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन को फोकस में से निकालना है। ये जितने भी स्टेप हम आगे करने जाएंगे बियॉन्ड सी के बाद, उन सब में ये पहला स्टेप फिक्स हो गया। अब दूसरे के लिए क्या करना है, वही पॉइंट ए से हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ये आप देख रहे हो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, वहाँ से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपको इमेज का पोजीशन दिखाएगा। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिलेगी हमें, दैट इज़ बिटवीन सी एंड एफ। देन आफ्टर नेचर ऑफ इमेज, दैट इज़ रियल, क्योंकि हमें इमेज जो है वो मिरर के बाहर मिल रहा है। देन आफ्टर इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज हमारा उल्टा है, देख रहे हो आप ए बी और बी ए उल्टा हो गया है। और डिमिनिश यानी साइज़ इसका छोटा है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट एस सी। अब ये जो फिगर यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो हर बार आपको ड्रॉ करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था आपको। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, सी पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेम प्रोसेस करनी है, पहले क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि जाएगी मिरर तक। उसको देन आफ्टर हमें फोकस में से निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप पॉइंट ए से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे ही है, तो सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा दोनों का, वो आपका हो जाएगा साइज ऑफ इमेज या पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें कहाँ मिल रहा है, सी पर ही मिल रहा है। देन आफ्टर नेचर क्या है उसका, बेसिकली दैट इज़ रियल, क्योंकि मिरर के बाहर है। पोजीशन उल्टी है, आप देख सकते हो इन्वर्टेड है, एंड साइज उसका सेम है दोनों का। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस बार फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो इस तरह से लाइन बना दो। फिर क्या करना है, फर्स्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल एक्सिस को, जो कि पास होगी फोकस में से, राइट। नेक्स्ट स्टेप अब आपको पता होगा, ए में से लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि सी में से पास हो। अब इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा, वो हो जाएगा आपका पोजिशन ऑफ इमेज। तो इस तरह से लाइन ज्वाइन कर दीजिए, देन आफ्टर उसको नोटिफाई कर दीजिए। आपको दिखेगा आप क्या है बेसिकली पोजिशन ऑफ इमेज, दैट इज़ बियॉन्ड सी। अब साइज़ के बारे में बात, नेचर के बारे में बात करते हैं। तो नेचर रियल है, क्योंकि मिरर के बाहर है। देन आफ्टर इन्वर्टेड, आप देख सकते हो कि ए बी यहाँ पे अपराइट कंडीशन में था, ये डाउन कंडीशन में है, और मैग्नीफाइड इमेज है, ए बी से इसकी साइज़ बड़ी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एस एफ, यानी फोकस पर है। तो इस तरह से इमेज की साइज़ बना दीजिए 1 सेंटीमीटर तकरीब। देन आफ्टर उसमें से लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पास होगा फोकस में से। अब नेक्स्ट आपको पता है कि क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ए में से लाइन को ज्वाइन करना है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज मिलेगी बेसिकली वो इन्फिनिटी पर मिलेगी, और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, यानी इमेज बहुत बड़ी मिलेगी हमको। देन आफ्टर है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पी एंड एफ, तो उसके लिए लाइन ड्रॉ कर दीजिए ए बी। अब क्या करना है, नेक्स्ट ए में से पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, जो कि पास होगी फोकस में से। देन आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ए को ज्वाइन कर लीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों को एक्सटेंड करना है। जैसे एक्सटेंड करोगे
तो हमें जो इमेज है वो मिरर के पीछे मिलेगी, दैट इज़ बिहाइंड द मिरर। और साइज़ भी देखो बड़ी है, और दूसरा ये अपराइट कंडीशन में यानी कि इरेक्ट है, सीधा है इमेज हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे पोजिशन ऑफ इमेज जो कि हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज दैट इज़ वर्चुअल क्योंकि मिरर के अंदर मिल रहे हैं हमको, इरेक्ट यानी कि जो इमेज मिल रहा है वो सीधा है, और मैग्नीफाइड साइज देख सकते हो आप उसकी बड़ी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है यानी बहुत दूर है, जैसे कि हम मान लें कि सन है, तो उतनी दूर से अगर इमेज आ रही है दैट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पास कहाँ से होगी, फोकस से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे बाजू में एक वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आप पता लगा सकते हो कि कैसे इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर मिलेगा। ओके, और बात करते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज की, दैट इज़ एट इन्फिनिटी अगर है ऑब्जेक्ट आपका तो नेचर क्या मिलेगा, बेसिकली रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश यानी कि बहुत छोटा है। इस केस में आप समझ सकते हो कि अगर सन बहुत दूर है उसकी साइज़ बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपने जो वीडियो देखा उसके अंदर जो सन मिल रहा था वो हमें स्क्रीन के ऊपर मिल रहा था, बेसिकली पेपर के ऊपर मिल रहा था, और उसकी साइज़ पॉइंट साइज थी, बहुत छोटी थी, दैट इज़ हाईली डिमिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।